हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका शर्मा जी के रिव्यूज़ में। दोस्तों यहाँ पे है मेरे पास मी A3, जिसकी अनबॉक्सिंग जो है मैंने आपको कल दिखाई थी। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो है गेमिंग टेस्ट दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, इस पे हम करीब जो है आधा घंटा जो है वो गेमिंग करेंगे। कुछ गेम्स हम जो है नॉर्मल गेम जो है वो प्ले करेंगे 10-15 मिनट। उसके बाद दोस्तों थोड़ी हैवी गेमिंग यानी कि हम पबजी जो है वो प्ले करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका जो है टेम्परेचर ओवरऑल जो है वो कितना जो है वो राइज होता है अगर हम जो है वो गेमिंग करते हैं, चाहे वो नॉर्मल गेमिंग हो या फिर हो दोस्तों हैवी गेमिंग। साथ ही साथ दिखाऊंगा आपको कि कितनी इसकी जो है वो बैटरी जो है वो ड्रेन होती है। तो यहाँ पे दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सामने यहाँ पे दोस्तों हम जो है स्टॉपवॉच चलाने लगे हैं और सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे जो है टेम्पल रन जो है वो प्ले करते हैं। यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट कर दिया स्टॉपवॉच को, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे टेम्पल रन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, और करते हैं प्ले। और साथ ही साथ टेम्परेचर हाँ आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर मैं रियर वाली साइड की बात करूँ तो 35 डिग्रीज के करीब यहाँ पे जो है टेम्परेचर है रियर वाली साइड का। और फ्रंट की साइड बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 37 जो है, एक बार टच किया है यहाँ पे तो 37 डिग्रीज के करीब मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो है दोस्तों। इसके बाद अभी जो है हम प्ले करते हैं। पहले यहां पे टाइम देख सकते हैं आप, 30 सेकंड जो है अभी हो चुके हैं स्टार्ट हुए। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ देखिएगा, बैटरी जो है अभी 49% है, 49% के करीब यहाँ पे जो है बैटरी है जो हमने स्टार्ट किया है। तो वो भी देख लेंगे कि बैटरी जो है यहाँ पे कितनी जो है वो ड्रेन होती है। अभी हम जो है इस पर टेम्पल रन प्ले कर रहे हैं, साथ ही साथ ओवरऑल देख रहे हैं कितने ये स्मूथ गेम प्ले होती है, कोई लैग वगैरह या कोई स्टटर या फ्रेम ड्रॉप वगैरह तो नहीं हमें देखने को मिलता। तो एज सच अभी तक तो कोई एज सच कोई इशू नहीं आया है, गेम अच्छी प्ले हो रही है। ओवरऑल कलर्स भी आप देख सकते हैं दोस्तों, जो है कलर्स काफ़ी पंची लगते हैं इसमें यार। मतलब HD प्लस होने के बावजूद भी ऐसे नहीं लगता कि यार हम HD प्लस वाले मोबाइल पे जो है वो गेम प्ले कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता। क्योंकि दोस्तों इसमें है आपको मिलती AMOLED डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दूँ कि ये जो वेरियंट है जिसमें हम अभी गेम प्ले कर रहे हैं ये है दोस्तों 4GB 64GB वाला। अगर आपने अभी तक इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो आप जाके जो है वो अनबॉक्सिंग देख सकते हैं, लिंक यहाँ मैं जो है दे देता हूँ ऊपर। तो दोस्तों हमने करीब 5 मिनट यहाँ पे जो है वो टेम्पल रन प्ले करी है और 5 मिनट में दोस्तों 1% जो बैटरी है वो कम हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों 5 मिनट में आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया वो 38 गया है, मतलब कि 1 डिग्री ही यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर बढ़ा है रियर वाली साइड, और फ्रंट वाली साइड दोस्तों उतना ही है ऑलमोस्ट। अब जो है हम दूसरी गेम प्ले करते हैं दोस्तों, सबवे सर्फर, 5-6 मिनट इसको भी प्ले करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे जो है हमने 2 गेम जो है वो प्ले कर ली हैं, सबवे सर्फर और टेम्पल रन, और 10 मिनट के करीब हमने ये जो है टोटल प्ले करी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर जो है वो उतना ही बरकरार है, 36.9 है रियर वाली साइड। और फ्रंट वाली साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 37 डिग्रीज के करीब यहाँ पे जो है टेम्परेचर अभी पहुँचा है। गेम्स आपको पता है नॉर्मल है, 10 मिनट आपने किया है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले 49 था फिर 48 हुआ, और अब यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज है वो है दोस्तों 47%। मतलब कि अगर आप नॉर्मल गेमिंग करोगे तो 5 मिनट में दोस्तों 1% जो है बैटरी वो कम होगी। अब दोस्तों यहां पे हमारे पास एक और गेम है नीड फॉर स्पीड, वो भी जो है एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ऑडियो यार जबरदस्त मिलता है आपको यहां पे, ये देखिए। है ना जबरदस्त ऑडियो। तो यहां पे आप देख सकते हैं क्या मस्त मक्खन की तरह यहाँ पे ये गेम चल रही है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं, कोई लैग नहीं है यहाँ पे नीड फॉर स्पीड। और पहले वाली जो 2 गेम्स थी वो भी बहुत अच्छी चली थी, बट असली तो इसका जो है वो टेस्ट तभी होगा दोस्तों जब हम जो है वो पबजी प्ले करेंगे इसमें। हमारा हल्का आज रेस्ट मोड में है, रेस्ट कर रहा है बैठ के। ओह वाओ, तो ये भी हमारी गेम हुई फिनिश। तो यहाँ पे दोस्तों करीब करीब 14 मिनट हो गए हैं यहाँ पे ओवरऑल गेम प्ले करते हुए हमें। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर दोस्तों उतना ही बरकरार है, हल्का फुल्का जो है 0.5 जो है वो रेज हुआ है, 37.5 गया है। और अगर फ्रंट वाली साइड की बात करूँ तो यहाँ पे भी दोस्तों 37.5 जो है वो टेम्परेचर है, और बैटरी परसेंटेज दोबारा से जो है वो 1% कम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 46% जो है वो बैटरी यहाँ पे अभी शो कर रहा है। अब दोस्तों
14 मिनट 20 सेकंड के करीब यहाँ पे हमें स्टॉप वॉच में दिखा रहा है, और 15वें मिनट हम जो है पबजी स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जो है एक बार पबजी को स्टार्ट कर देते हैं ताकि उसको जो है तब तक वो बूट हो जाए पबजी भी, और 15वें मिनट हम जो है हम स्टार्ट करते हैं अगले 15 मिनट के लिए पबजी दोस्तों। और यहाँ पे आप टेम्परेचर अब देख लीजिए कि पबजी से पहले जो है यहाँ पे आपको टेम्परेचर जो है करीब करीब 37 डिग्रीज रियर वाली साइड, और उतना ही टेम्परेचर दोस्तों आपको जो है फ्रंट वाली साइड यहाँ पे 38 डिग्री के करीब अभी दिखा रहा है टेम्परेचर। तो 38 और 37 आपको रियर वाली साइड दिखा रहा है पबजी से पहले दोस्तों। अब हम 15 मिनट पबजी प्ले करेंगे। हमने जैसे कि देखा कि 5 मिनट में जो है वो 1% बैटरी कम हुई थी। अब इसके मुताबिक तो इस हिसाब से पहले अगर नॉर्मल गेमिंग होती तो हमें हमारी जो बैटरी परसेंटेज है वो 3% जाएगी नीचे। तो बैटरी है दोस्तों 46%, और देखते हैं अभी जो है वो बैटरी कितनी कम होती है अगले 15 मिनट में। लो जी मैच हो गया शुरू। दोस्तों आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि PUBG जो है आप स्मूथ में या फिर बैलेंस्ड मोड में ही प्ले कर सकते हैं। अभी जैसे ही आप SD ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो वो यहाँ पे जो है वो अनअवेलेबल दिखा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो है एक नया प्रोसेसर है, इसमें स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर है, क्योंकि ऑलरेडी 660 में तो चलता था यार SD में, बट यहाँ पे ये जो है सपोर्ट अभी नहीं दिखा रहा। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे और उसके बाद यहाँ पे जो है ये कंपेटेबिलिटी भी जो है वो दिखा दे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक बार और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि SD में ये प्ले नहीं होती, बैलेंस्ड में आप लो और मीडियम में, और स्मूथ में आप लो मीडियम और हाई में जो है प्ले कर सकते हैं। तो अभी हम बैलेंस्ड और मीडियम में ये जो है प्ले कर रहे हैं दोस्तों पबजी। फ्रेंड यहाँ पे हमें करीब जो है वो 5-6 मिनट हो गए हैं प्ले करते, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 44% जो है वो बैटरी दिखा रहा है, मतलब कि 5 मिनट में 2% बैटरी यहाँ पे जो है वो ड्रेन हुई है ड्यूरिंग पबजी प्ले। तो यहाँ पे दोस्तों पबजी प्ले करते हुए एज सच कोई भी लैग वगैरह कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। पबजी जो है यहाँ पे स्मूथ प्ले हो रही है, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है वो HD में जो है वो प्ले नहीं हो रही है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे स्मूथ जो है एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है पबजी प्ले का। ये हमने मार दिया गाड़ी के नीचे दोस्तों। 15 मिनट में गेम तो ये फिनिश नहीं होगी, बट हम जो है आधा घंटा जैसे होने लगा है 15 मिनट ये पबजी प्ले करते हुए, 15 मिनट पहले हमने गेम खेली थी। तो अभी देख लेते हैं कि अभी जो है टेम्परेचर जो है वो कितना अभी दिखा रहा है और बैटरी कितनी ड्रेन हुई है। तो 29 मिनट 50 सेकंड के करीब यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो रियर वाली साइड है उसका टेम्परेचर मैक्सिमम 38 ही है, और फ्रंट का हल्का सा मुझे बड़ा हुआ लग रहा है। अभी देख लेते हैं कि कितना वो गया है। तो 38.5 है यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो फ्रंट वाली साइड का है दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिलता है पबजी प्ले करते हुए। और अगर दोस्तों मैं बैटरी की बात करूँ कि बैटरी कितनी ड्रेन हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 42% आपको बैटरी दिखा रहा है, और 46% थी बैटरी दोस्तों पबजी स्टार्ट करने से पहले। तो ओवरऑल दोस्तों हमारा जो गेमिंग टेस्ट था Mi A3 के ऊपर आधे घंटे का, वो यहाँ पे होता है कंक्लूड। ओवरऑल मैंने आपको दिखाया कि अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हो जैसे हमने पहले 15 मिनट करा, तो हर 5 मिनट में आपका जो फ़ोन है वो 1% जो है वो बैटरी ड्रेन होगी, और जो टेम्परेचर राइज होगा वो 37-38 तक जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद दोस्तों अगर आप हैवी गेमिंग करते हो जैसे कि पबजी वगैरह भी प्ले करते हो, तो आपकी जो बैटरी है वो डबल ड्रेन होगी, यानी कि 5 मिनट अगर आप प्ले करते हो तो बैटरी जो है वो 2% जो है वो यहाँ पे ड्रेन होगी। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो टेम्परेचर है इस फोन का वो मैक्सिमम जो है वो 39-40 तक जाएगा, हमारे इस गेम प्ले के दौरान जो है वो 38.5 तक जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर गया इसका फ्रंट साइड का और रियर साइड का दोस्तों। अगर आप भी दोस्तों कोई भी गेम जो हैवी गेमिंग भी प्ले करोगे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम जो है 40 डिग्रीज तक जो है टेम्परेचर जाएगा, जो मेरे हिसाब से यहाँ पे नॉर्मल है। यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे आपको दोनों साइड जो है वो ग्लास मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की यहाँ पे जो है आपको प्रोटेक्शन जो है वो देखने को मिलती है। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे हिसाब से ये फ़ोन बेस्ट है गेमिंग के लिए। बस यहाँ पे यार अगर पबजी में SD का सपोर्ट देते हैं तो फिर क्या ही बात है। दोस्तों आपको बता दूं, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जो है इसमें स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर है, जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, और मेरे हिसाब से जो गेम डेवलपर्स वगैरह हैं उसको ऑप्टिमाइज करेंगे कि आपको जो है पबजी में या और कोई भी गेम हो जिसमें SD सपोर्ट नहीं करता फिलहाल, तो उसमें भी ये
जो है SD सपोर्ट करे, और उम्मीद है PUBG में बहुत जल्दी जो है SD में सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको स्नैपड्रैगन 660 भी SD में आप प्ले कर सकते हैं PUBG गेम दोस्तों। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर मेरे से पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में तो बस इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबा देना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।